जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। आज मैं बहुत सुंदर सी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। कन्या राशि वालों के लिए ये सन 2023 जो आने वाला है कैसा रहेगा। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे। और मित्रों, अप्रैल के अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है, जिससे कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेख राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेख राशि में राहु और बृहस्पति की युति आपके अष्टम भाव में होगी और आप इस समय कुछ न कुछ चिड़चिड़े हो जाएंगे। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीज़ें आप में देखने को मिल सकती हैं। और मित्रों, अक्टूबर के अंत में राहु जो है वो मीन राशि में और केतु जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लग्न और सातवें भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है और वहीं पर जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको चिंतित रहना पड़ सकता है। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। बाकी और ग्रहों को अगर देखा जाए तो और ग्रहों के गोचर की भी समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेंगे। और मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में चौथे सूर्य और पंचम में शनि हैं। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान हैं, जो साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता पाएंगे। और वहीं पर देखा जाए तो गुरु की लग्न पर दृष्टि से आपका समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा। और वहीं पर अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। पत्नी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका भी इस माह में आपको मिलेगा। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में आप काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में होना, शनि का गोचर, लोहे मशीन और कबाड़ का काम करने वालों को माला माल करने वाला है और इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। और मित्रों, मार्च के महीने में पराक्रम में इस मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला है। साथ साथ दशम में मंगल बेहद बलवान होकर आपको टीम लीड करने का मौका देने वाला है। और मित्रों, पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो इस समय सुलझ सकता है। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर आठवें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेख राशि में सूर्य राहु और बुध की युति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि की भी संभावना दिख रही है। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कुटुंब में कलह का कारण बन सकता है। और मित्रों, मई का महीना है, ये आपको बेहद परेशान करेगा। जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव इस माह में देखने को मिलेगा और इस समय वाहन चलाने में आप सावधानी बरतें। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में भी नुकसान के संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी बरतें। जून का माह अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दशम भाव में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम पर होगा।
और इस समय शनि की अष्टम पर दृष्टि से कोई न कोई गुप्त मदद भी आपको मिल सकती है। हाँ तो मित्रों, अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो अभी तक जिन लोगों ने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है वो बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद मित्रों।